एक्टिंग सीखी जा सकती है या नहीं, या फिर एक्टर बनने के लिए एक्टिंग सीखना ज़रूरी है या नहीं, ये एक बड़ा टिपिकल सवाल है जो अक्सर नए लोग करते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कहीं पे 3 महीने का कोर्स है, कहीं पे 6 महीने का कोर्स है, कहीं पे 1 साल का कोर्स है, और हज़ारों लाखों रुपये उनकी फ़ीस। सोचने वाली बात है कि इतनी फ़ीस लेते हैं, इतना टाइम वो लोग लेते हैं, तो कुछ तो सिखाते होंगे। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नाम सुना होगा आपने, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, 3 साल का कोर्स है, और वहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपने 10 प्रोफेशनल प्लेस पहले किए होने चाहिए, उसके बाद तो आप वहाँ एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि 10 प्ले करने के बाद आदमी एक्टर तो वैसे ही बन जाता है, उसके बाद वो 3 साल क्या सिखाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्टिंग इतना बड़ा, इतना डीप आर्ट है कि आदमी जिंदगी भर भी सीखता रह सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे। एक्टिंग में सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक कलाकार हर दिन कुछ नया सीखता है। ये एक ऐसा आर्ट है कि आदमी जिंदगी भर सीख सकता है। बड़े बड़े कलाकार, बच्चन साहब आज भी ये कहते हैं कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। जो भी नए कलाकार मिलने आते हैं काम के लिए, उनका यही कहना होता है कि हमें तो एक्टिंग आती है। और जब उनसे पूछो कहीं से कुछ सीखा है, कुछ किया है, तो 90% लोगों का एक ही जवाब होता है, हाँ सर, स्कूल कॉलेज में हमने किया है, नाटक किया हमने स्कूल में, कॉलेज में अपना किया है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, स्कूल कॉलेज में काम करना और प्रोफेशनल टीवी सीरियल्स में, फिल्म्स में काम करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। स्कूल कॉलेज में आप शौकिया काम करते हैं, फिल्म और टेलीविज़न में प्रोफेशनल काम होता है, स्कूल कॉलेज में पैसा नहीं लगता है, वहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, कोई पैसा देके आपको देखने नहीं आता है, लेकिन फिल्म और टेलीविज़न में बहुत पैसा लगता है, हर चीज़ की कीमत होती है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर को काम करने के लिए पैसा देते हैं, पैसे के अलावा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं। एक छोटे से छोटे एक्टर की भी एक दिन की पेमेंट मिनिमम 3-4 हज़ार रुपये तो होती है, और ये मैक्सिमम लाखों रुपए तक भी जाती है, डिपेंड करता है एक्टर के टैलेंट के ऊपर और उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। एक छोटी मोटी नौकरी के लिए भी इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे छोटी मोटी नौकरी मिलती है। और एक एक्टर बनने के लिए कलाकार सीखना भी नहीं चाहता, बाकी सब चीज़ें तो दूर, और सपने देखता है लाखों करोड़ों रुपये कमाने के, शोहरत कमाने, जबकि एक एक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, अपने ऊपर बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। किसी बड़े एक्टर ने कहा है कि एक्टिंग इज जस्ट लाइक ड्राइविंग। एक्टिंग जो है वो एक गाड़ी चलाने जैसा है। ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठे इंसान को लगता है कि गाड़ी चलाना बहुत आसान है, क्या है, स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, बस। लेकिन जब वो खुद ड्राइविंग सीट पे आता है तब समझ में आता है कि ये कितना मुश्किल है, आसान नहीं जितना दिखता है। एक्टिंग के साथ भी ठीक वैसे, जब तक खुद नहीं करते तब तक समझ में नहीं आता। जैसे एक परफेक्ट ड्राइवर बनने के लिए क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, इन सबको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आदमी एक परफेक्ट ड्राइवर बनता है। एक्टिंग भी ठीक वैसे ही, इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को, बॉडी लैंग्वेज को, इन सबको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती, तब कहीं जाके एक इंसान एक अच्छा कलाकार बनता है, अच्छा एक्टर बनता है, जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। एक एक्टर को अपने दिमाग को और अपने बॉडी को मशीन की तरह कंट्रोल करना पड़ता है, और बहुत प्रैक्टिस के बाद उसके काम में परफेक्शन आती है, और यहाँ किसी चीज़ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा 1 साल या 1.5 साल की उम्र में चलना सीखता, और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम उसे 15 दिन में या 1 महीने में चलना सिखा सकें। एक्टिंग के साथ भी वैसा ही है, जो टाइम लगना है वो लगना है। किसी भी नए एक्टर को काम देने से पहले लोग बहुत सोचते हैं,
शुरू शुरू में तो एक लाइन का डायलॉग मिलना वो भी बड़ा मुश्किल होता है। मुंबई में जो लोग भी एक्टर बनने आते हैं ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना तो कभी कुछ किया है ना कुछ सीखा है, और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी सीखने की इच्छा भी नहीं है। ऐसे लोग मुंबई आते हैं, भटकते हैं, टाइम और पैसा बर्बाद करते हैं और आखिर में थक हार के वापस चले जाते हैं या फिर एक्टिंग छोड़ के कुछ और करने लगते हैं। यहाँ कोई किसी को कुछ सिखाता नहीं, खुद सीख के आना पड़ता है। कोई आपको आपकी कमियाँ नहीं बताता है, खुद आपको आपकी कमियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, उन्हें दूर करना पड़ता है। और अपनी कमियों को दूर करने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सीखे आप अपनी कमियाँ भी दूर नहीं कर सकते। इस सीरीज से हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एक्टर के तौर पे आपकी समझ को डेवलप कर सकते हैं। आप एक एक्टर के तौर पे सोचना शुरू कर देंगे, एक एक्टर की तरह समझना शुरू कर देंगे, एक एक्टर का सेंस आप में डेवलप होगा और आपको अपने काम की नॉलेज होगी। और किसी ने कहा है कि नॉलेज इज पावर एंड पावर रूल्स द वर्ल्ड।